उज्जैन के बड़नगर रोड पर नलवा से बड़वाई जाने वाले पंचकोशी मार्ग जो महाकाल वन क्षेत्र में आता है, इस पंचकोशी मार्ग पर एक संत ने अपनी निजी जमीन पर गौशाला बनाई है और गायों की सेवा करना शुरू की है, जहां सैकड़ों गाय सर्व सुविधा युक्त गौशाला में रखी हुई हैं और इस कृषि भूमि पर फसल को ना लगाते हुए गौशाला की गायों को चरा रहे हैं और गायों की देखभाल कर रहे हैं। सर्व सुविधा युक्त कृषि निजी भूमि पर बनी हुई इस गौशाला में और यहां पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में नलवा खरेट बड़बई गाँव के ग्रामीण स्थानीय रहवासी पहुँचते हैं और गौशाला पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो और गौ हत्या बंद हो, तो ये हो शब्द हम किनको कह रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या किसी और पदाधिकारी को? तो फिर विचार आया कि कुछ अपने को करना चाहिए। कि हो से तो क्या होगा, मानना अपने को पड़ेगा। तो ये 5-7 साल से ज़मीन तो अपनी पुरानी, 15 साल से इंदौर ज़िले में रहते हम। बाकी ये सेवा का फिर विचार आया कि ये काम करके और ये सेवा ज़रूरी है। तो जो आवारा गैया, छोटे बच्चे हैं, इनको रात में लोग फेंक जाते हैं। सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं और उनकी खुद की निजी ज़मीन पर कर रहे हैं और चारा भूसा ये खुद लाके इनका खिलाते हैं और ये अपना गायों की सेवा इतने अच्छे तरीके से मजदूरों से करवाते हैं। और महाकाल वन भी है, 118 किलोमीटर की ये यात्रा का एक पड़ाव स्थल भी आता है इसमें 118 किलोमीटर में। उसी रोड पे ये हरिहर गौशाला बनी हुई है। करीब कितनी पुरानी है यहाँ पे? करीबन होंगे 100 जानवर के आसपास है। सोई जानवरों की सही सार देखभाल वगैरह मजदूरों से की जा रही है और करवाया जा रहा है गुरु महाराज के थ्रू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।